सो हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है LMTD। अब देखिए, ये जो LMTD जो ये टॉपिक है ना, जिसमें जो लॉग वाला वैल्यू आ जाता है, ये देखते ही या तो बहुत लोग का क्लियर नहीं हो पाता है या बहुत लोग को थोड़ा समझना जो होता है वो कठिन हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग LMTD को बहुत ही बेसिक से बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को अगर पूरा एंड तक आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि LMTD होता क्या है, क्यों हीट एक्सचेंजर यदि कोई होता है तो वहाँ पे हमें LMTD निकालना जरूरी होता है, इसका क्या पर्पज है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या फायदा है, ठीक है, कैसे हम लोग LMTD निकालते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है और जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेटर है और क्यों बेटर है, ठीक है। तो सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो LMTD, तो देखिए LMTD जो ये टॉपिक है वो हीट ट्रांसफ़र, जो एक चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र, उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसमें आप यदि हीट ट्रांसफ़र को आप पढ़िएगा डिटेल में, तो वहाँ पर आपका LMTD जो है वो टॉपिक जो आएगा, जो कि एक हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड होता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि मान लीजिए दो फ्लूड, एक गर्म फ्लूड है और जो एक ठंडा फ्लूड है, वो आपस में किसी हीट एक्सचेंजर कोई एक तरह का डिवाइस है, सेल और ट्यूब टाइप का, तो उसमें अगर वो फ्लो करेंगे तो उनमें आपस में क्या होगा, हीट एक्सचेंजिंग होगा। तो चूंकि वहाँ पर हीट एक्सचेंजिंग होता है, इसलिए उस डिवाइस को हीट एक्सचेंजर कहा जाता है, और उसी हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड होता है LMTD। ओके, LMTD यानी कि यहां पर जो है वो TD का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे दो फ्लूड अगर यहां पे, जैसे ये मान लीजिए एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, दो फ्लूड, एक गर्म फ्लूड है और एक ठंडा फ्लूड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि ये जो हीट एक्सचेंजर है वो एक तरह का काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। ओके, तो यहां पर एक हॉट फ्लूड फ्लो कर रहा है, इधर से कोल्ड फ्लूड इंटर कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों में हीट एक्सचेंजिंग होगा। तो यानी हीट एक्सचेंजर कब होगा, जब इन दोनों में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसी टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग कहते हैं ड्राइविंग टेम्परेचर या ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका हीट एक्सचेंजिंग होगा। तो उस वहां से आ गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस। M का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। किसी चीज़ का हम लोग यदि एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसको मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं, ओके। और L का मतलब होता है लोग। तो देखिए, इस चीज़ को यदि हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं वो सिंपल अर्थमेटिक वैल्यू से ना निकाल के हम लोग लॉग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसका जो लॉगरिथम वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। अब देखिए, इसका हमको जो लॉग वैल्यू जो निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, यानी लॉग मीन जो टेम्परेचर जो है वो हमें निकालने की ज़रूरत ही क्यों है। तो देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पे फ्लूड इंटर करवा रहे हैं, हॉट वाला इधर से कोल्ड वाला, तो हो सकता है ना कि यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजिंग होगा, यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पर फिर ज़्यादा हो, फिर कम हो, यानी अलग अलग यहाँ पर बिहेवियर जो है वो हीट एक्सचेंजर का शो करेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका एक कितना यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप ऐसे ही अंदाजे नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि किसी पर्सन को कोलकाता से दिल्ली जाना है, ठीक है, बाय कार। तो अगर हम उससे पूछेंगे कि आपका स्पीड जो है, आप किस स्पीड से गए थे दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली, तो वो ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मैं 100 किलो पर किलोमीटर आवर से गया था, ठीक है, इतना तो स्पीड वो बोल नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है वो उसका हाइएस्ट स्पीड हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो एक अपना एवरेज वैल्यू निकालेगा, क्योंकि जब वो स्टार्ट किया होगा तो हो सके वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, फिर बीच में रास्ते में उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वहाँ पर स्पीड कम हुआ होगा, फिर उसने कुछ चाय नाश्ता किया होगा तो वहाँ पर भी रेस्ट किया होगा, ठीक है, फिर कहीं पे आराम करके फिर कहीं स्पीड बढ़ाया होगा, फिर इस तरह से स्पीड का वेरिएशन हुआ होगा, ठीक है। तो वो एट द लास्ट वो क्या करेगा, एक एवरेज वैल्यू हमको बताएगा। तो ठीक उसी तरह जब एक हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूड आपस में फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर भी हमको एक ऐसे ही कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल देंगे कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है, वहाँ पर एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और वो जो एवरेज वैल्यू होता है वो अर्थमेटिक एवरेज वैल्यू नहीं निकाल के हम लोग लॉग वैल्यू निकालते हैं। लॉग वैल्यू निकालने से फायदा ये होता है कि जो चीज़ें निकल के आती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आएगा वो एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट अगर मान लीजिए अर्थमेटिक वैल्यू से निकाल देंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो चूंकि एक्यूरेट आए, क्योंकि इसकी जब डिजाइनिंग की जाती है ना, तो LMTD का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इसलिए यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये LMTD से ही निकलता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा डेफिनेशन में देखिए क्या बोल रहा है कि LMTD क्या है। इट इज़ अ लॉगरिथमिक एवरेज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूड एट ईच एंड ऑफ द हीट एक्सचेंजर। जो ये हीट एक्सचेंजर है, इसके एंड में जो
टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा उसी चीज़ को हम लोग लॉगरिथम एवरेज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि LMTD कहते हैं। इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट ड्राइविंग टेम्परेचर या ड्राइविंग फोर्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में कितना आपका ड्राइविंग टेम्परेचर है या ड्राइविंग फोर्स है वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से बताता है, और यही जो है LMTD जो है वो मोर एक्यूरेट बताता है। ठीक है, अगर हम LMTD निकालते हैं तो कितना ड्राइविंग टेम्परेचर है इस हीट एक्सचेंजर में या कोई भी हीट एक्सचेंजर जिसका आप निकाल रहे हैं तो उसका एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आपको निकाल के देगा। ओके, अब बात आती है कि इसका क्या पर्पज है, हम निकालेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, हमको क्या बेनिफिट है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तभी तो हम निकाल रहे हैं। तो पहला बात है कि यहाँ पर जो पहला जो चीज़ है कि डिटरमाइन हीट ट्रांसफर रेट। अब इस हीट एक्सचेंजर में हम क्या करें, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोल्ड फ्लूड गर्म हो रहा और गर्म वाला ठंडा हो रहा, तो ये हीट रेट जो है, हीट ट्रांसफर रेट जो है वो कितना हो रहा वो हमको इस LMTD से ही पता चलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए, जो क्यू इक्वल टू होता है यू इंटू ए इंटू डेल टी एम। ये डेल टी एम जो है यही LMTD है जिसके बारे में अभी हम लोग पूरा इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये पता रहेगा तभी हम हीट ट्रांसफर जो रेट है वो निकाल सकते हैं। साथ में अगर हमारा हीट ट्रांसफर जो इक्विपमेंट है यानी कि जो हीट एक्सचेंजर है वो उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, वो भी जो है LMTD के ऊपर ही डिपेंड करता है। साथ में दूसरा बेनिफिट क्या है कि फॉर डिजाइन एंड साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब इसका हमको LMTD पता रहेगा तो ही हम इसका डिज़ाइन और इसका एक्यूरेट हम लोग साइज जो है निकाल पाएंगे। अगर इसकी इफिशेंसी बढ़ाना हो तो भी हमें LMTD से ही हमें निकलेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर हमें मान लीजिए LMTD पता है और एरिया इसके अनुसार से हमें घटाना बढ़ाना हो तो अगर हम एरिया घटा पा रहे हैं जहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफर रेट अच्छा है तो उस केस में आपका हीट इफेक्टिवनेस कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होगा। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो होगी आप सस्ता होगा वहाँ पर आप बजट जो है वो कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो होते हैं इसके पर्पज होते हैं, फायदे होते हैं LMTD निकालने का। आती है कि ये मान लीजिए आपका हीट एक्सचेंजर है, इसको हम मान लीजिए हमारा LMTD इसको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस LMTD कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल टी एम यानी कि जो LMTD है वो होता है आपका डेल टी वन यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर का, और यहाँ पर डेल टी टू माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन ब्रैकेट में, इसको इन दोनों को फिर हम डिवाइड कर देंगे डेल टी वन डिवाइडेड बाई डेल टी टू ब्रैकेट बंद। तो इसको हम लोग कैलकुलेट इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे डेल टी वन और डेल टी टू क्या है तो इसको देखिए, यहां पर जो ये हीट एक्सचेंजर है ना तो यहां पे आपका फ्लूड जो है हॉट फ्लूड इन किया और यहां पे हमारा कोल्ड फ्लूड आउट हुआ, तो जो हायर वाला टेम्परेचर होगा, मान लीजिए हम लोग इसको एक कैलकुलेट करके देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोल्ड फ्लूड है, कोल्ड फ्लूड जो है वो इंटर जो कर रहा वो उसका टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउट जब करेगा तो 100 डिग्री हो गया। वहीं पर अगर कोल्ड फ्लूड जो है वो इन जो कर रहा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो है 80 डिग्री पे आउट कर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों में हीट एक्सचेंजिंग होगा, ये गर्म हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमें ये पैरामीटर मिल गया। अब मान लीजिए इसका हम बोलेंगे कि LMTD निकाल के बताइए, तो हमको सबसे पहले डेल टी वन का वैल्यू निकालना होगा। तो डेल टी वन का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो ये टी जो टेम्परेचर है यानी THI यानी कि टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड इनलेट इसका और माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, जो कोल्ड वाला आउट हो रहा, ठीक है, यानी कि 150 माइनस 80। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको आप जब भी कभी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा ताकि ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर इधर उधर अगर माइनस हो जाएगा तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, एकदम डायग्राम बना लीजिए। अब बगल में जो इनलेट वाला होता है, अगर काउंटर फ्लो है तो आपका हाइएस्ट वाला जो टेम्परेचर है उसको आप माइनस कर दीजिए जो एक साइड का, ठीक है, एक साइड का करना, इसको नहीं कर देना। तो इस साइड का आप यदि करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये 70 हो गया। उसी तरह डेल टी टू निकाल दीजिए, ठीक है, तो अभी एक साइड का ये बच गया तो आपका ये हो जाएगा 100 माइनस 40। ठीक है, तो 100 माइनस 40 करेंगे तो हो जाएगा 60। अब देखिए डेल टी वन का वैल्यू आ गया और ये आ गया, तो इसको जस्ट हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा 70 माइनस 60। ओके, और ये आपका इन का वैल्यू बैठा दीजिए तो डेल टी वन ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 60। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इन 70 डिवाइडेड बाई 60। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और आ जाएगा आपका 64.84, लगभग आपका इतना ही आएगा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इतना आपका LMTD आया। तो हम जो इतना निकाले LMTD, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये जो निकल गया LMTD, अब इसको हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो हमारा कितना हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम एरिया निकालना चाहें तो वो हमें पता चल जाएगा।
जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, ये LMTD जितना इंक्रीज करेगा उतना हमारा जो हीट एक्सचेंजर होगा वो अच्छा होगा, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो अच्छा होगा। देखिए रेट ऑफ हीट जो ट्रांसफर है वो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LMTD का, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा। वहीं अगर मान लीजिए कि हमारा अगर हमें एरिया के बारे में बात करें, तो एक आपने सुना होगा कि ये तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो गया, एक होता है आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर किसको कहते हैं, ये फ्लू जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है, वो सेमी डायरेक्शन में, यानी कि हॉट वाला भी इधर फ्लो करेगा या तो उधर करेगा, ठीक है। तो उस अगर मान लीजिए इधर कर रहा है तो कोल्ड वाला भी इधर करेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा दो फ्लूड जिनमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उस तरह के हीट एक्सचेंजर को हम लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि हमारा अगर उस केस में अगर आप देखेंगे कि क्यू यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो अगर आपका कांस्टेंट है दोनों के केस में, और जो पैरामीटर जो है वो सेम दिया गया है, यू का वैल्यू यानी कि आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो कोफिशियंट है वो अगर कांस्टेंट रहे, क्यू कांस्टेंट रहे और यू अगर कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हमें एरिया निकालना है पैरेलल फ्लो वाला और काउंटर फ्लो वाला में, तो आप देखेंगे कि जब सेम पैरामीटर में LMTD आप निकालेंगे तो LMTD इसका बेहतर आएगा काउंटर फ्लो का, जिसके वजह से इसकी एरिया जो है उसके रिस्पेक्ट में पैरेलल वाले फ्लो के रिस्पेक्ट में घट जाएगा। इसका मतलब है कि काउंटर फ्लो में आपका ज़्यादा हीट एक्सचेंजिंग होता है, ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, जिससे काउंटर फ्लो को बेहतर माना जाता है पैरेलल फ्लो से। ओके, तो इस तरह से आप LMTD जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और LMTD क्या होता है, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों निकाला जाता है, ये आप सभी का क्लियर हो गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।